नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ रेप का आरोप, जनजातीय आयोग ने मामले पर लिया संज्ञान। आरोपी पलाश चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनावी साल में कांग्रेस ने ट्वीट कर फिर गिनाई कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां। लिखा, नदियों पर सरकार ने किया 400 करोड़ का काम। नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, सिर्फ ट्विटर पर दिखती है कांग्रेस की योजना। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, जिला पंचायत अध्यक्षों के भत्ते में की वृद्धि, 54,000 से बढ़ाकर 1,00,000 किया वेतन भत्ता। पंचायत अध्यक्षों से सीएम ने की मुलाकात। सागर के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, पोस्टमार्टम रूम में चूहों का आतंक, शव की आंख मिली क्षत विक्षत। 15 दिन में दूसरी बार सामने आई घटना। भिंड में व्यापारी से 14,00,000 की लूट के मामले में बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा। रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप, रेसलर बजरंग पुनिया की लोगों से अपील, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, इस्तीफा दे सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह। और रायपुर पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम मैरियट होटल के बाहर, सुरक्षा बल तैनात। एयरपोर्ट से टीम रवाना होने के बाद पहुंचे विराट कोहली, खिलाड़ियों का राजकीय गमछा पहनाकर किया स्वागत। 21 जनवरी को होगा मुकाबला।